वेदांत दर्शन की 106वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ पाठ यानी अंतिम पाठ चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने 9वें सूत्र तक देखा था। इस चौथे पाद में मुक्ति से संबंधित बातों को बताया गया है। साधना करके, ब्रह्मोपासना करके विशिष्ट मार्ग से आत्मा जब मुक्ति को प्राप्त करता है तो वहाँ पर क्या स्थिति होती है, तो परमात्मा के जैसा बनता है, परमात्मा के गुण उसमें आते हैं, उससे युक्त होता है। और मुक्ति में वो अपने संकल्प के अनुसार आना जाना कर सकता है, अन्य सब प्रक्रियाएं वो कर लेता है, जो जानना है देखना है वो सब कर लेता है। और उस समय परमात्मा उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता है उसके संकल्प के अनुसार, और जीवात्मा का कोई वहाँ अधिपति यानी स्वामी, उसका नियंत्रक, उसको नियम में बांधने वाला चलाने वाला कोई नहीं होता, वो पूरी तरह से मुक्त होता है। तो मुक्ति के बारे में ही कुछ और बातें आगे 10वें सूत्र में देखेंगे। पिछले पाठ में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 9, पृष्ठ संख्या 248। आचार्य जी, अतएव च अनन्याधिपति, इस सूत्र के भाष्य में दूसरे पंक्ति में नहि तदानीं स स्वकामचारे अन्यम अपेक्षते यश्च तस्य कामपूर्तो आधिपत्यं कुर्यात्। जीवात्मा के कामपूर्ति में कोई आधिपत्य नहीं करता है, वो खुद ही उसका आधिपत्य होता है, ये कहना चाह रहे यहाँ पर। किंतु वहाँ पर भी परमात्मा तो उसका आधिपत्य तो करता ही है, क्योंकि जीवात्मा जिस चीज़ की कामना करता है वो पूर्ति तो परमात्मा ही करता है उसका। पूर्ति तो परमात्मा करता है, ये तो ठीक बात है ना। परमात्मा अगर ये सहायता नहीं करे तो जीवात्मा की तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो कुछ कर सके। लेकिन आधिपत्य का मतलब यहाँ लेंगे कि उसको कोई नियंत्रित नहीं करता है, नियमों में नहीं चलाता है। अधिपति नियम बनाने वाला, चलाने वाला अपने अनुसार, वो उसका अधिपति कहलाता है, स्वामी कहलाता है। तो मुक्तावस्था में परमात्मा आत्मा के लिए कोई नियम नहीं बनाता है वहाँ पर, अपनी दृष्टि से जिस उद्देश्य से वो मुक्ति में आया है बस वो चीजें उसको उपलब्ध करा देता है, आनंद आदि, गमनागमन सब, उस पर कोई नियंत्रण नहीं करता है। और जीवात्मा जो देखना चाहता है, जो जानना चाहता है, जहां जाना चाहता है, जैसी उसकी इच्छा है उसके अनुसार होता है। जैसे माता पिता कभी बच्चों को पूरा छूट दे दें कि चलो आज तुम्हारे को जो खेलना हो वो खेलो, जो करना हो वो करो, मेले में गए तो जो देखना हो जो देखो, बिल्कुल कोई नियंत्रण नहीं, ठीक है जो कहोगे बस वो करवा देंगे, कभी कभी प्रसन्न होकर के ऐसा कर देते हैं। तो मुक्तावस्था के अंदर इसी तरह से हमें लेना चाहिए। बद्धावस्था में प्रकृति का तो बंधन रहता ही है हमारे ऊपर, ईश्वर के भी बहुत सारे नियम लागू होते हैं और उनके कारण से और शरीर के कारण से हमारी सीमाएं रहती हैं, हम उससे बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, उतनी सीमित क्षेत्र में करते हैं, नियंत्रण हमारा रहता है। और मनुष्य शरीर मिला हो छोटा सा कुछ वर्षों का,
और उसके बाद में कर्मों के अनुसार फिर इधर उधर शरीरों के अंदर परमात्मा भेजता रहता है और वो वेद का उपदेश भी देता है, प्रेरणा भी देता है, ये करो ये मत करो, विधि निषेध, ये सब जीवात्माओं के लिए करता है, विधि निषेध आदि विधान करता है। और फिर कोई उसका उल्लंघन करता है तो पाप पुण्य बनते हैं, दंड पुरस्कार देता है, उचित करते हैं तो पुरस्कार देता है। ऐसा मुक्तात्माओं के लिए कोई संविधान, वेद ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई जानकारी में नहीं आता है, पता नहीं लगता है कि आपको इन विधि विधानों से मुक्ति में रहना है। कुछ विधि निषेध नहीं है वहां पर, जो संकल्प हो जो कामना हो। और इतना तो ठीक ही है, क्यों, वो चूंकि ईश्वर के ज्ञान में रहते हैं तो वो अन्यथा या गलत कोई कामना, सृष्टि विरुद्ध कामना नहीं करते। उनकी अपने से संबंधित जो भी कामना है वो सारी पूरी होती है। इस दृष्टि से परमात्मा भी उनका अधिपतित्व नहीं करता। लेकिन अगर सहायता की दृष्टि से आप कहना चाहते हैं तो ठीक है, अधिपति बन जाएगा। और अनन्याधिपति में फिर केवल परमात्मा ही अधिपति है, परमात्मा को छोड़ करके और कोई अधिपति नहीं है, ये अर्थ लेंगे तो आप जिस तरह कहना चाह रहे हैं उस तरह संगति लग जाएगी। और कोई भी अधिपति नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, तो उसको इस दृष्टि से लेंगे कि परमात्मा मुक्त आत्माओं का भी कोई नियंत्रण नहीं करता। मुक्ति में प्रवेश और मुक्ति से निकलना उस तो उसके नियंत्रण में रहता है, लेकिन अंदर जीवात्माएं अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। किंतु आचार्य, जब जीवात्मा पृथ्वीलोक में रहते हुए तपस्या आदि के द्वारा, यम नियमों के सभी अष्टांग के पालन के द्वारा इतना मेहनत से परमात्मा सन्निधि को प्राप्त करता है, और हम मुक्ति का मतलब भी परमात्मा का सन्निधि ही मानते हैं, तो जब वो परमात्मा का किसी के सन्निधि में जा रहा है, वो इतना तपस्या करके, तो वो इतना बड़ा एक अधिपति है इस कारण से उसके पास जा रहा है, तो हम अधिपति तो मानना ही चाहिए। उस रूप में अधिपति आप ले सकते हैं, तो एक अधिपति वाला अर्थ अनन्याधिपति ले ही सकते हैं, उसका निषेध नहीं किया। लेकिन परमात्मा की सन्निधि पाना चाहता है, परमात्मा का आनंद ज्ञान पाना चाहता है, परमात्मा के नियंत्रण में रहना चाहता है, ये आता है क्या कहीं? जीवित अवस्था में तो रहता है कि हम परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलें, वेद मंत्रों की आज्ञा के अनुसार चलें, ये हमारे लिए उचित है। मुक्तात्मा के लिए कोई आया पढ़ने में कहीं? नहीं। कोई इच्छा रहती है क्या? नहीं। वो तो जीवात्मा इन सब बंधनों से छूटना चाहता है, सब नियमों से छूटना चाहता है, कोई बंधन नहीं, कामना सारी पूरी हो जाए और हमारे पे कोई भी प्रतिबंध ना लगे, ये नहीं चाहते हैं आजकल भी। कामनाएं हमारी सारी पूर्ण हो जाए लेकिन प्रतिबंध हमारे पे कोई भी नहीं हो, हर चीज मिले जो हम चाहते हैं लेकिन रोका टोकी कुछ ना हो, टोका टोकी कुछ ना हो हमारे को, ऐसा ही तो पूर्ण स्वच्छंदता है ना। अगर यूं कह दें कि ठीक है आपको टोकेंगे नहीं, कुछ भी नहीं, जो करना है वो करो, अपने आप खाओ पियो करो, वो नहीं पसंद आता है, बोले नहीं मिलना तो वो सब चाहिए जो हम चाहते हैं। बच्चे माता पिता से आजकल जो खर्ची चाहिए, खाना पीना चाहिए, कपड़े चाहिए, गाड़ियां चाहिए, सब चीज चाहिए, बिना रोका टोके जो चाहे वो मिल जाए, लेकिन टोका टोकी कुछ नहीं हो, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, वो कोई किससे मिल रहे हैं, कोई टोका टोकी नहीं, तो स्वतंत्रता की परिकल्पना है। ठीक है, और कोई? तो आगे का पाठ देखिए, वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय का चौथा पाठ, पृष्ठ संख्या 248, सूत्र संख्या 10। अब एक प्रसंग इन्होंने यहां उठाया कि मुक्ति में जब आत्मा जाती है तो उस समय उसके साथ में शरीर आदि ये कुछ चीजें रहती हैं या नहीं रहती हैं, तो अलग अलग दृष्टि से ये अलग अलग मत यहां पर कहे गए हैं, फिर उसकी संगति भी लगाई गई है। तो दसवां सूत्र है, अभावम बादरी आह ही एवं। तो बादरी जो व्यास जी के पिता थे, व्यास जी तो बादरायण हुए, इनके जो पिताजी थे वो बादरी, वो कहते हैं कि वहां मुक्ति में अभाव रहता है, अभाव रहता है किसका? शरीर का, शरीर का अभाव रहता है। भाष्य देखिए, यदुक्तम संकल्पादेव तो तच्छ्रुते है, पीछे जो कहा गया था संकल्प से ही ये सारी चीजें पूरी होती हैं, और ये वहां पर श्रुति वचन, शास्त्र का वचन मिलता है, यानी सांकल्पिक शरीर होता है।
तो उसी को इन्होंने वो पंक्ति दी है, यम यम अंतम अभिकामो भवति, जिस जिस उद्देश्य को या जिस जिस प्रदेश को वो चाहता है, कामना वाला होता है, यम कामम कामयते, और जिस कामना की इच्छा करता है, सो अस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति, वो उसके संकल्प से ही वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, संकल्प मात्र से। नहि प्रयत्नम अपेक्षते इति भवतु युक्तम, ये जो आपने कहा वो ठीक है, मान लिया, हो जाए। तत्र खलु प्रयत्न साधनस्य तन्वः शरीरस्य अभावं बादरी पाराशारो मन्यते, तो ऐसे में वहां मुक्ति में प्रयत्न का साधन जो तनु है उसका, अर्थात शरीर का अभाव होता है, ये बादरी पाराशर मानते हैं। और इसकी पुष्टि में कहा तन्व भावे, ये आगे 13वां सूत्र आने वाला है, उसमें तनु अभावे, तनु का अभाव होने पर, मुक्ति में तनु शरीर का अभाव होता है। इति सूत्र वर्णनात् अत्र तनु प्रसंगो विज्ञेयः, इस वर्णन से चूंकि आगे आने वाला है इसलिए शरीर का प्रसंग समझना चाहिए। ये क्यों कहना पड़ा इनको, क्योंकि सूत्र में अभावम बादरी आह इत्येवम ही एवं, तो अभाव मतलब किसका अभाव, पीछे से तो कोई ऐसी बात आ नहीं रही है सीधे सीधे, वे किसका अभाव, तो इन्होंने आगे के प्रसंगों को देख करके पीछे का ये ले लिया है कि यहां शरीर का तनु का अभाव समझना चाहिए। आगे इति सूत्र वर्णनाद अत्र तदनु प्रसंगो तनु प्रसंगो विचय एवं ही आह एवं ही श्रुतिर्वदति मनसा एतान कामान पश्यन रमते, मुक्ति में मन के द्वारा इन कामनाओं को देखता हुआ वहां पर रमण करता है, अर्थात शरीर नहीं रहता, स्थूल शरीर नहीं था। तत्र मनसा रमते न शरीर न इति स्पष्ट, मन से रमण करता है तो अर्थापत्ति से ही आ गया कि शरीर वहां पर नहीं रहता, शरीर से रमण नहीं करता है, स्थूल शरीर नहीं होता है, तो स्थूल शरीर का इन्होंने अभाव कह दिया। सब मतलब प्रकृति, स्थूल शरीर और प्रकृति से बना हुआ शरीर, उस सबका अभाव कह दिया। भाव किसका माना, आत्मा और उसका संकल्प शरीर, सांकल्पिक शरीर वो खुद ही है, आत्मा स्वयं है अपने संकल्पों से युक्त, उसका तो भाव रहेगा लेकिन बाकी शरीर वहां पर नहीं रहेंगे। 11वां सूत्र भावम जैमिनी विकल्प आमननात, जैमिनी मुनि मानते हैं कि वहां पर भाव रहता है, अब किसका भाव रहता है वो बताएंगे, क्यों, क्योंकि वहां विकल्प का कथन होता है, तो उसके लिए पुष्टि कर रहे हैं वाक्य वचन, ये छांदोग्य का दिया, तस्य आत्मतो मनः, आत्मा से उसको मन होता है, आत्मतो वाक, आत्मा से वाणी होती है, आत्मतः कर्माणि, आत्मा से उसके कर्म होते हैं, आत्मतः एव इदम सर्वमिति, आत्मा से ही वहां पर सब कुछ होता है। स एकधा भवति त्रिधा भवति पंचधा भवति, एक प्रकार से होता है, तीन प्रकार से, पांच प्रकार से, विविध प्रकार से होता है। तो अत्र अनेक अनेकधा भाव वर्णनात् विविध अंग कल्पना पठनात् तत्र इत्थम विदस्य सांकल्पिकस्य सूक्ष्म शरीरस्य तु भावम जैमिनी आचार्यो मन्यते, तो यहां पर इन विविध अनेक प्रकार के भावों के वर्णन करने से और विविध अंगों की कल्पना करने से, कि यहां पर मन है या श्रोत्र है, ये कल्पना अंगों की की गई है, उसका पाठ किया गया है, तो उसके सांकल्पिक शरीर का, सांकल्पिक शरीर को इन्होंने आगे खोल दिया, सूक्ष्म शरीरस्य तु भावो जैमिनी आचार्यो मन्यते, जैमिनी आचार्य उसका भाव मानते हैं। यहां सूक्ष्म शरीर का मतलब वो नहीं है जो 18 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर होता है, ये संकल्पमय शरीर जो है वो भी सूक्ष्म होता है, यानी स्वयं जो है आत्मा, उसी के साथ उसके संकल्प है, तो ये सूक्ष्म शरीर के नाम से वहां पर कहा गया है। प्रचलित जो 18 तत्व वाला सूक्ष्म शरीर है वो यहां पर नहीं ग्रहण करना है। तो पिछले सूत्र में अभाव कहा गया था, इस सूत्र में भाव कहा गया, तो यूं लगता है जैसे कि इनमें परस्पर विरोध है, तो उसकी संगति आगे कह रहे हैं 12वें सूत्र में। द्वादशावत उभय विधम बादरायणो अतः, इसलिए बादरायण का मत है कि द्वादशाह के समान वहां पर दोनों ही प्रकार का रहता है, दोनों प्रकार का मतलब भाव भी रहता है और अभाव भी रहता है। द्वादशाह सोमयाग, जिसमें 12 दिन तक सोम की आहुति दी जाती है, यानी सुक्त्या दिवस 12 होते हैं, 12 दिन सोमरस निकालते हैं, 12 दिन आहुति देते हैं। अभी जो हम सोम याग देखने गए थे वो तो एक आहा था, एक दिन का ही सुत्या दिवस था, आगे पीछे का ज्यों का तू रहता है, लेकिन बीच का जो ये एक दिन है, ये एक दिन की जगह 12 दिन होते हैं, उसको द्वादशाह बोलते हैं। तो इसके संबंध में क्या चर्चा चलती है, जो कर्मकांड में आता है
एक दिन के होते हैं वो एकाह, और दो से लेकर के 12 तक होते हैं वो अहीन शब्द से कहे जाते हैं सोमयागों में, और उसके बाद में आते हैं 17। तो 17 12 से लेकर के 1000 दिन तक या वर्षों तक जो भी परिकल्पना है आगे तक जितने भी हैं वो 17 कहलाते हैं। तो 12वां जो होता है द्वादशाह, उसको 17 कहें या अहीन कहें, तो द्वादशाह को 17 भी कह देते हैं और अहीन भी कह देते हैं। यह है कि थोड़ा अंतर होता है, जब 17 कहते हैं तो अलग तरह से होता है वो, और अहीन कहते हैं तो अलग तरीके से होता है। 17 के अंदर ऋत्विक वो सब यजमान होते हैं, अपने आप में यजमान होते हैं, लंबे समय तक चलाते हैं, ऐसे कुछ याग होते हैं ना, स्वयं ही आपस में बांट लेते हैं। और अहीन के अंदर एक यजमान होता है, बाकी तो सब जो ऋत्विक होते हैं वो क्रीत होते हैं, अथवा ऐसे कुछ भिन्नताएं होती हैं। जब द्वादशाह को 17 मानते हैं तो कुछ भेद होता है, और जब द्वादशाह को अहीन मानते हैं तो भेद होता है। लेकिन वैसे एक जो द्वादशाह है उसको अहीन भी कह देते हैं, 17 भी कहते हैं, यानी उभयविद कह देते हैं। वो उदाहरण दिया इन्होंने द्वादशाहवत उभयविदम, उसको दोनों ही कह देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि चाहे बादरी ने और जैमिनी ने जो भी कहा है कि भाव है या अभाव है, बोले भाव भी है और अभाव भी है, दोनों बातें मान ली इन्होंने। भाष्य देखिए, अत्र उभय लिंग श्रुतितः, दोनों ही प्रकार के लिंग श्रुति से पता लगने से, खलु उभय विधम, ये इसमें बड़ा वो कर लीजिए, खलु उभय विधम शरीरस्य भावम च अभावम च, अर्थात स्थूल शरीरस्य अभावम सूक्ष्म शरीरस्य भावम मुक्तो बादरायणो द्वादशाहवन मन्यते। तो स्थूल शरीर का तो अभाव है और सूक्ष्म शरीर का भाव है मुक्ति में, ये बादरायण ने उनका दोनों का समन्वय किया। वास्तव में उन दोनों में विरोध था नहीं, दोनों ने अपनी अपनी बात अलग अलग ढंग से कही थी। एक ने कहा था भाव है, एक ने कहा था अभाव है, लेकिन किसका अभाव और किसका भाव वो तो वहां पर स्पष्ट नहीं था, वो प्रसंग से पता लगता है। लेकिन दूसरों ने देखा कि ये तो भाव कह रहे हैं और ये अभाव कह रहे हैं, तो मतलब परस्पर विरोध हो गया। तो बादरायण जी कहते हैं कि विरोध नहीं है ये। बादरी कह रहे थे कि स्थूल शरीर का और प्रकृति से बने हुए शरीर का, इंद्रियों का वहां पर अभाव है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और जैमिनी कहते हैं कि वहां भाव था, किसका भाव था, आत्मा और उसकी सामर्थ्य का, जो संकल्प शरीर है वो वाला सूक्ष्म शरीर, उसका भाव था। तो कोई बात नहीं है, विरोध नहीं है परस्पर। दूसरे से यह सिद्ध होता है कि आत्मा का अस्तित्व वहां फिर भी बना रहता है स्वतंत्र रूप से मुक्ति में, ये भाव है उसका। ये शरीर आदि नहीं रहते तो बोले आत्मा भी नहीं रहेगा वहां, आत्मा भी विलीन हो जाएगा और आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ऐसा कोई समझे तो उसका उत्तर है कि नहीं, भाव रहता है उसका, स्वतंत्र अस्तित्व रहता है मुक्ति में जीवात्मा का। तो ये इन्होंने संगति लगा दी। तो आगे इसमें चाहे थोड़ा सा वो देख लेते हैं, सत्यात प्रकाश में भी ये तीनों सूत्र दिए गए हैं और इसको लेकर के बहुत चर्चा चलती रहती है। वहां के वचनों से हमें क्या अर्थ लेना चाहिए, अगर वहां लिखे हुए शब्दों का ठीक अर्थ हमने नहीं लिया तो विरोधी लगेगा, और जो सत्यात प्रकाश को पढ़ते हैं स्वाध्याय करते हैं उनमें ये प्राय जो कुछ प्रश्न आते हैं उनमें एक प्रश्न ये भी है, बार बार आता रहता है कि जी यहाँ स्वामी जी ने तीन बातें लिख दी, एक में भाव कह दिया, एक में अभाव कह दिया सूक्ष्म शरीर का, और एक में भाव अभाव दोनों मान लिए, तो आखिर सच क्या है। इस सारे प्रसंग को वो किससे जोड़ते हैं, सूक्ष्म शरीर से। जो तात्पर्य जन सामान्य जो समझता है वो क्या करता है, सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर कौन सा, वो 18 तत्व वाला, उसको लेकर के ये कहते हैं कि एक ने भाव कह दिया, एक ने अभाव कह दिया, और बादरायण कहते हैं भाव भी होता है और अभाव भी होता है, तो वास्तविकता क्या है, सूक्ष्म शरीर की मुक्ति में स्थिति होती है या नहीं होती है। और फिर उनको उत्तर देते हैं कि नहीं, सूक्ष्म शरीर तो मुक्ति में होता नहीं है। बोले नहीं, स्वामी जी ने तो वहां पर लिखा है, भाव वाला दे देते और उनको कहो कि हाँ होता है, तो बोले नहीं, वहां तो लिखा है कि नहीं होता है। इसी का इनका जहां कुछ भी बोलो उसका उत्तर नहीं, वहां तो ये लिखा है। उनकी मूल समस्या है कि यहां पर भाव अभाव और भावाभाव, ये तीन पक्ष दे दिए हैं, तो वास्तविकता क्या है।
तो देखिए पंक्तियां, तो मुक्ति का जो वर्णन था कि देखो वेदांत शारीरक सूत्रों में, वेदांत दर्शन है, इसको शारीरक भी कहते हैं, शारीरक शास्त्र। तो अभावम बादरी आह इत्येवम, अर्थ क्या लिखते हैं, जो बादरी व्यास जी का पिता है वह मुक्ति में जीव का और उसके साथ मन का भाव मानता है। क्या लिखा, सूत्र तो है अभाव का, अभावम बादरी आह इत्येवम, स्वामी जी क्या लिखते हैं, वह मुक्ति में जीव का और उसके साथ मन का भाव मानता है। तो वहां कोष्ठक में इन्होंने लिख दिया और शरीर आदि का अभाव मानता है। शरीर का अभाव हुआ तो भाव किसका मानेगा, आत्मा का और मन का। अब मन शब्द यहां पर आया हुआ है, आत्मा और मन, तो मन मतलब वो प्रकृति से बना हुआ मन ले लेते हैं फिर यहां पर, वो लेंगे तो समस्या रहेगी। प्रकृति से बना हुआ मन अगर मुक्ति में मानेंगे तो प्रकृति से वो छूटा नहीं है, अभी प्रकृति का बंधन है, जबकि ये स्पष्ट है कि प्रकृति से छूट जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर आत्मा तो अपने आप में रहे, कोई बाधा है ही नहीं। मन का मतलब है आत्मा की मनन शक्ति, उसकी अपनी, प्रकृति वाला मन नहीं, उसकी मनन शक्ति वहां पर रहती है। और मनन, मन का मतलब मनन शक्ति, यानी वो जो क्रियाएं कर सकता है वो सारी सामर्थ्य वाला वहां रहता है, वो क्रियाशील हो सकता है। इसको आगे देखिए, अर्थात जीव और मन का लय पाराशर जी नहीं मानते। जीव और मन का लय पाराशर जी यानी बादरी नहीं मानते मुक्ति में, इनका लय नहीं होता है, अर्थात ये विद्यमान रहता है, जीव विद्यमान रहता है, जो लय अद्वैत वाले जैसा मान लेते हैं लय, वैसा नहीं होता, वो विद्यमान रहता है और मन भी रहता है, यानी मनन शक्ति विद्यमान रहती है। दूसरा, भावम जैमिनी विकल्पम विकल्प आमननात, और जैमिनी आचार्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं, अभाव नहीं। क्या लिखा, मुक्त पुरुष का मन के समान, मन के समान, जैसे बादरी आत्मा जीव के साथ में मन को मानते थे, वैसे ही मन के समान सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं, अभाव नहीं। अब यहां इन सब का मतलब, यदि प्रकृति से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, प्राण लिया जाए तो नहीं संगत लगेगा। तो जैसे वहां मन का अर्थ हमने मनन शक्ति लिया था, ऐसे यहां पर भी अर्थ लेंगे, मन के समान सूक्ष्म शरीर। अब वैसे तो सूक्ष्म शरीर में सारी चीजें आ गई, फिर उसके अतिरिक्त इंद्रियां और प्राण ये क्यों लिखा, वही सूक्ष्म शरीर में आ जाती है। तो सूक्ष्म शरीर उसका जो अपना आत्मा का स्वरूप होता है, सूक्ष्म शक्ति होती है, संकल्पमय शक्ति होती है वो, और इंद्रियां, इंद्रियां मतलब आत्मा की जो अपनी शक्ति है, शब्द को सुनने की, रस को जानने की, गंध को जानने की, वो जो अपनी शक्ति है, वो इंद्रियां उसकी अपनी, क्योंकि श्रृण्वन श्रोत्रम भवति, और ये जो सारा लिखा हुआ है इसके पहले का ही वचन है, ये श्रृण्वन श्रोत्रम भवति, स्पर्शन त्वक भवति, पश्चन चक्षुर भवति, रसयन रसना भवति, ये जो सारी इंद्रियां, ये कौन हो रहा है, वो आत्मा स्वयं ही तो हो रहा है। तो वो जो अपनी स्वयं की शक्ति है, वो इंद्रियां वहां पर रहती हैं, और प्राण वो क्रिया के रूप में आ गया, प्राण मतलब तो कर्म का द्योतक, क्रिया का द्योतक है, प्राणों से क्रिया होती है, तो कर्मेंद्रियां जितनी है सूक्ष्म, वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। तो इनको भी विद्यमान मानते हैं, अभाव नहीं। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, जीव को तो दोनों समानता तो ही, जीव को तो दोनों मानते हैं मुक्ति में, अलग अलग विद्यमान मानते हैं, और उधर बादरी मनन शक्ति केवल एक को, सबके प्रतीक के रूप में भाई मनन शक्ति को है, संकल्प किया और बाकी चीजें तो होने लगेंगी अपने आप। बादरायण के, बादरी के अलावा जैमिनी क्या मान लेते हैं कि मनन शक्ति तो है ही, संकल्प शक्ति, लेकिन उस संकल्प शक्ति के बाद में जब वो जाता है, देखता है, ये सब जो सारी चीजें होती हैं, उसको जो ग्रहण करने की स्थिति होती है, वो भी वहां रहती है, वो सामर्थ्य भी रहती है, केवल संकल्प ही नहीं रहता है। बादरी के मत में संकल्प रहता है जीव के साथ में, तो उसी से वो सोचते हैं अंतर्भावित के, यहां बस संकल्प रहता है तो वो सब पूर्ण होते हैं, तो मतलब बाकी चीजें हो गई, अलग से उन्होंने कुछ कहा नहीं। स्थूल शरीरों का अभाव कहा, इन्होंने इन चीजों का भाव कह दिया कि नहीं, ये सारी सामर्थ्य होती है, तभी विरोध नहीं है कुछ भी। और आगे
तीसरा जो सूत्र था द्वादशाहवत उभय विधम बादरायणों, अतः व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, उसका तात्पर्य क्या है वो आगे लिखते हैं। अर्थात शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है, अर्थात शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है, जीव मुक्ति में बना रहता है और उसकी जो शुद्ध सामर्थ्य है, उसकी अपनी जो सामर्थ्य है उससे युक्त वो वहां पर बना रहता है। बाकी यहां जो हमारी सामर्थ्य होती है वो हमारी शुद्ध अपनी नहीं होती है, प्रकृति की भी सामर्थ्य होती है। यहां जो हमारी जीवन के समय प्रकृति की सामर्थ्य होती है उसकी सहायता से वो मुक्ति में नहीं रहती है, ये हमारी शुद्ध सामर्थ्य नहीं है। हम इन साधनों के माध्यम से समझने लगते हैं मेरी इतनी सामर्थ्य है, मैं इतने किलो भार उठा सकता हूं, मैं इतनी तेज दौड़ सकता हूं, ये कार्य कर सकता हूं, ये हमारी शुद्ध सामर्थ्य नहीं है। आत्मा की अपनी शुद्ध सामर्थ्य वहां पर रहती है। और अपवित्रता पापाचरण दुख अज्ञान आदि का अभाव मानते हैं। अभाव किसका कह दिया, अपवित्रता पापाचरण दुख अज्ञान आदि इनका अभाव मानते हैं, तो शुद्ध सामर्थ्य रहता है और इन चीजों का अभाव रहता है, तो इनमें परस्पर विरोध नहीं है। तो अब इस सारे प्रकरण को केवल सूक्ष्म शरीर विषयक नहीं मानना है, अगर सूक्ष्म शरीर विषयक मानेंगे तो इसमें उलझन ही उलझन है, इसका कोई उत्तर नहीं आने वाला। जो लोग प्रश्न उठाते हैं वो उस प्रश्न का समाधान नहीं आएगा, मुक्ति में सूक्ष्म शरीर रहता है या नहीं रहता है। और उसके लिए बोले ये तीन सूत्र कहें, यहां पर सीधे सीधे केवल सूक्ष्म शरीर का विषय आया है क्या? केवल जैमिनी वाले मत में सूक्ष्म शरीर एक बात आया, बाकी तो नहीं आया ना, बाकी दो में तो नहीं आया ना, नहीं तो प्रसंग किस तरह से होता कि मुक्ति में सूक्ष्म शरीर रहता है या नहीं रहता है वो भूमिका होती, या अंत में कुछ ऐसा उपसंहार होता। ऐसा ना तो प्रारंभ है और न ही उपसंहार है, इसलिए इस प्रकरण को केवल सूक्ष्म शरीर का नहीं मानना चाहिए और जो शब्द हैं वो आत्मा की अपनी शक्ति सामर्थ्य को ही समझना चाहिए, तो इनमें कोई भी विरोध नहीं। और क्या किसी को इसमें पूछना है? एक और मुक्ति के प्रसंग में स्वामी जी के कुछ वचन है, वो मैं साथ में ले लेता हूं, इसको भी और देखेंगे। एक प्रसंग इतना आया था, प्रश्न इसमें था, नवीन समलास का बोल रहा हूं, कि जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नए उत्पन्न करके संसार में रख देता है, इसलिए निशेष नहीं होते। तो पीछे का मतलब ये था कि मुक्ति से जो लौटने वाली बात थी उस प्रसंग में, तो जो पूर्व पक्षी है वो ये मानता है कि लौटते नहीं है। तो प्रश्न हुआ था फिर ये संसार समाप्त क्यों नहीं हो जाता, अगर मुक्ति में जा ही जा रहे हैं वहां से आ नहीं रहे। तो बोले कि परमात्मा उतने जीवों को और बना करके यहां पर छोड़ देता है, जितने मुक्त होते हैं उतने जीव बना करके और छोड़ देता है, इसलिए यह ऐसा का ऐसा चलता रहता है। उसने ये समाधान किया, तो किस लिए किया ये समाधान, ताकि मुक्ति से पुनरावर्तन की बात सिद्ध ना हो, अब पुनरावर्तन खंडित ना हो। तो इसके ऊपर देखो स्वामी जी क्या लिखते हैं, जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जावे। और जीव को नित्य तो वो भी मानता होगा बोलने वाला, लेकिन उसको अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसको ये होश नहीं रहा कि मैं ऐसी चीज बोल रहा हूं जिससे मेरा सिद्धांत या शास्त्र का सिद्धांत खंडित हो रहा है। उसने तो बोल दिया तात्कालिक रूप से कुछ भी, तो देखो इससे ये दोष आएगा कि जीव अनित्य हो जाए, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होता है, तो अनित्य होंगे। फिर तुम्हारे अनुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जाएंगे। उनके मत के अनुसार वैसे भी नष्ट होना माना जाएगा, और लेकिन अगर मुक्त भी हुए, अब मुक्ति में जीव तो जीव रहा नहीं, जीव तो ब्रह्म ही हो गया, तो जीव तो नष्ट हो गया ना, जीव तो नष्ट हो गया ना। तो ये इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि तुम्हारे अनुसार अभ्युपगम से बोल रहे हैं, ये तुम्हारे मतानुसार मतलब अभ्युपगम से मुक्ति पाक पर भी विनष्ट हो जाएंगे और मुक्ति अनित्य हो गई। फिर मुक्ति को नित्य कब मानेंगे? उनका कहना था कि मुक्ति नित्य है, मुक्ति नित्य है, तो मुक्ति की नित्यता किस रूप में, मुक्ति की नित्यता किस रूप में, कि मुक्ति नाम की स्थिति सदा बनी रहती है, ये मुक्ति की नित्यता है। जो मुक्ति से पुनरावर्तन मानते हैं उनकी दृष्टि से भी मुक्त अवस्था तो नित्य ही रहती है,
विमुक्ति की नित्यता एक तो स्वरूप है उस स्थल की, स्थल अलग से होता नहीं लेकिन वो एक अवस्था जो विशेष है वो सदा बनी रहती है, कोई ना कोई जीव वहां रहेगा, बहुत सारे जीव सदा बने रहेंगे, ये जो मुक्ति की स्थिति है वो अनित्य है क्या? अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक चलेगी, लेकिन फिर भी मुक्ति से पुनरावर्तन तो मानते हैं। तो ऐसे में जब मुक्ति की अनित्यता का कथन हो रहा है तो मतलब है कि जीव जो एक मुक्ति में गया है और फिर लौट करके आ रहा है, इस दृष्टि से मुक्ति अनित्य हो गई, क्योंकि उस जीव के लिए मुक्ति नित्य नहीं हुई। मुक्ति अपने आप में नित्य है लेकिन उस जीव के लिए नित्य नहीं हुई, वो सदा नहीं रह सकता वहां पर। तो उनका मत क्या था कि मुक्ति नित्य होती है। अब हम मुक्ति नित्य होती है का क्या मतलब है? वो जो जीव मुक्ति में गया है, आत्मा मुक्ति में गया है, वो सदा मुक्ति में बना रहेगा, वो सदा मुक्ति में बना रहेगा, लौट के नहीं आएगा। इस दृष्टि से वो कह रहे हैं कि मुक्ति नित्य होती है। स्वरूपतः नित्यता तो दोनों पक्षों में समान है। तो अब इसके ऊपर स्वामी जी ये कह रहे हैं कि और तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जाएंगे, मुक्ति अनित्य हो गई फिर, क्योंकि जो जीव वहां गया था किस लिए गया था? मुक्ति के लिए। और मुक्ति कैसी है? नित्य। नित्य का क्या मतलब है? वो मुक्ति में सदा बना रहेगा। बोले वो जीव ही नहीं रहा आपके पक्ष में, तो मुक्ति की नित्यता की तो बात ही दूसरी रही। वो जीव विद्यमान तो रहना चाहिए ना, तभी तो यूं कहेंगे कि इसकी मुक्ति नित्य चल रही है। वो खुद ही नहीं रहा, खुद ही नष्ट हो गया, वो ब्रह्म में विलीन हो गया, खुद उसका अस्तित्व ही नहीं रहा, तो मुक्ति तो अनित्य हो गई। बोले आपके पक्ष में भी तो अनित्य हो जाएगी, हमारे से भी अनित्य होगी, हमारी तो मुक्ति इतने साल तक चलती है, भले ही लौट के आ जाता है, लेकिन आपकी मुक्ति कितने समय की है? थोड़ी सी मान लो, जब गए और बस विलीन हो गए, बस आपकी मुक्ति तो अनित्य हो जाएगी। आगे देखिए, और मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ भड़क्का हो जाएगा। मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ भड़क्का हो जाएगा, जैसे मेले वगैरह में होता है। क्यों होगा भीड़ भड़क्का? क्योंकि वहां आगम अधिक और व्यय कुछ नहीं होने से बढ़ती का पारावार ना होगा। आगम तो खूब होगा मुक्ति में जो चाहेंगे, लेकिन लौट के तो आएगा नहीं। और वो जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि परमात्मा नई नई आत्माओं को बना के छोड़ता रहेगा यहां पर, वो मुक्ति वाली आत्मा ही नहीं, मुक्ति वाली तो जो जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, वो तो अन्य ही कहीं से आत्माएं बना बना करके छोड़ देता है, तो यहां तो संसार चलता रहेगा। तो बोले ऐसे में मुक्ति से तो लौट के आ नहीं रही है वो आत्माएं, तो वहां क्या हो जाएगा? भीड़ भड़क्का हो जाएगा। अब यूं देखेंगे तो ठीक है, परमात्मा अनंत है, कोई भीड़ भड़क्का नहीं है उस दृष्टि से तो, लेकिन इसमें हमें दो तरीके देखना होगा। इसको भी बहुत लोग पूछते हैं कि जी मुक्ति में भीड़ भड़क्के की बात क्या है? तो देखो कई तरह से भीड़ भड़क्के होते हैं। यानी मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं कि हम कहते हैं भीड़ भड़क्का तो वहां हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परमात्मा अनंत है, कितनी भी आत्मा आ जाए, कितनी भी आत्मा आ जाए, तो भीड़ भड़क्का तो हो नहीं सकता। आ तो भीड़ भड़क्का बोलते समय हमारे मन में क्या भाव रहता है? कौन सा भीड़ भड़क्का? नहीं, स्थान की दृष्टि से तो है थोड़ा सा। नहीं, उस भीड़ भड़क्का में क्या, जैसे कि कहीं सड़क पर भीड़ भड़क्का हो, मेले में तो बिल्कुल पास पास से जा रहे हैं और भिड़ते हुए शरीरों से जा रहे हैं, कोई इधर टकरा रहा है, कोई इधर टकरा रहा है, इसके पैर पे पैर रख रहा है, वो धक्का लग रहा है, स्थान नहीं मिल रहा है चलने को, जिस गति से हम जाना चाहते हैं वो जा नहीं पा रहे हैं, इसे तो भीड़ भड़क्का कहेंगे। वो रुकना चाहता है, बस में भीड़ भड़क्का हो गया, मतलब बैठने को जगह नहीं है, खड़े हैं, इधर से उधर नहीं हो सकते, जो कहते हैं बहुत भीड़ भड़क्का है। तो परमात्मा की अनंतता के सामने जीव कितने भी हों, काय का भीड़ भड़क्का वहां पर, वो भीड़ भड़क्के वाली समझ में नहीं आती, ऐसा भीड़ भड़क्का। एक कहीं बिल्कुल स्वतंत्र हो आराम से, फिर भी भीड़ भड़क्का। अब जैसे किसी घर में चार जने रहते हो, छोटा परिवार हो, और वैसे घर बड़ा है, अब चार पांच जने और आ गए, अब खूब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं,
कोई टकरा नहीं रहे, आराम से घूमना करना सब कुछ हो रहा है, खूब जगह है सोने खाने पीने की, आराम से भाग रहे हैं खेल रहे हैं। तो फिर अगर कोई चले जाते हैं तो बोले फिर सूना सूना हो गया, वो आए थे तो थोड़ा चहल पहल थी, थोड़ा भीड़ भड़क्का हो गया था। अभी भीड़ भड़क्का वैसा भीड़ भड़क्का थोड़ा है जैसा हम पहले सोच रहे थे। अब इतनी दूर दूर हमारे घर बने हुए हैं, जमीन धरती कितनी खाली है, धरती कितनी खाली पड़ी हुई है, बसों से रेल से जैसे ही गांव शहर से बाहर निकलते हैं खाली पड़े हैं सर, दूर दूर तक खाली पड़े हैं, खाली पड़े हैं। जबकि हम कहते हैं कि इतनी जनसंख्या हो गई पैर रखने तक को जगह नहीं है, भीड़ भड़क्का वो कुछ ही जगह से तो बाकी तो खाली पड़ा है सारा यूं कहीं, लेकिन फिर भी हम उसको भीड़ भड़क्का कहते हैं। तो यहाँ भीड़ भड़क्के का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही घिचपिच हो रही है वहाँ पर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरे ढंग से सापेक्ष रूप से कि आज से मान लो 1 करोड़ अरब खरब सृष्टि पहले जितनी आत्माएं परमात्मा में थीं, एक एक के पास खूब जमीन थी, खूब खुले में थे, अब इतने साल बाद में और जीवात्माएं चली गई तो उनकी कुछ अंतर पड़ेगा या नहीं? वैसे दूर दूर है खूब खुले में, लेकिन अंतर पड़ेगा या नहीं? अंतर पड़ेगा। उस दृष्टि से स्वामी जी का कथन है कि अगर जाती जाती रहेंगी और वहां से आएंगी नहीं तो भीड़ भड़क्का हो जाएगा। और उससे एक बात और सिद्ध होती है, ये जो कथन किया जाता है ना कि जीवात्माएं सूक्ष्म है तो एक जीवात्मा में दूसरी जीवात्मा चली जाती है, वो भी खंडित होता है। अगर भीड़ भड़क्का कब कहा जाएगा, इसका व्यवहार ही तब होगा जब एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते, अलग अलग रहते हैं और टकराते हैं वो। और अगर इतने सूक्ष्म में इस तरह की कोई परिकल्पना करे कि एक आत्मा में दूसरी आत्मा चली जाती है और इधर उधर हो जाती है, और तो फिर काय का भीड़ भड़क्का, उसको आने जाने में कोई रुकावट ही नहीं हो रही है, वो एक आत्मा उसमें से निकल के जा रही है, कभी यहां जा रही है, कोई अंतर ही नहीं आ रहा है, तो काय का भीड़ भड़क्का। तो वो जो कथन आता है कि एक ही जगह पे, वो सुई की नोक उदाहरण के लिए बोल देते हैं, पूरी सृष्टि की सारी आत्माएं आ सकती हैं, वो गलत है कथन स्वामी जी के इन वचनों से। एक और भी कथन जो आता है कि परमात्मा को सबसे सूक्ष्म माना है, आत्मा को उससे कम सूक्ष्म माना है, और बाकी चीजें तो और अधिक अधिक थोड़ी स्थूल होते हुए सूक्ष्म है, लेकिन स्थूल होते 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 फिर बड़ी स्थूल हो जाती है। और वहां स्वामी जी ने यह तर्क दिया है कि जिनकी सूक्ष्मता समान होती है वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, एक की सूक्ष्मता अधिक हो और एक की कम हो तो जो अधिक सूक्ष्म है वो कम सूक्ष्म में प्रवेश कर जाएगा। जैसे परमात्मा प्रकृति में या आत्मा के अंदर है, उसका कारण है, हेतु क्या है कि परमात्मा इनसे अधिक सूक्ष्म है इसलिए अंदर रह सकता है। लेकिन जिनकी सूक्ष्मता समान है, भले ही वो सूक्ष्म है, दूसरों में प्रवेश कर सकते हो स्थूल चीजों में, लेकिन उनकी सूक्ष्मता समान है, वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते। वो स्वामी जी के वचनों से ये सारी बातें सिद्ध होती हैं, भीड़ भड़क के वाली बात से भी और वहां से भी। पर उसमें उन लोगों को क्या लगता है, एक तर्क रखते हैं कि जो जगह घेरते हैं, जगह घेरते हैं वहां ये बातें होती हैं कि वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते, और जो जगह ही नहीं घेरता है वहां तो क्या दिक्कत है। जो जगह घेरती है वो चीजें होती हैं स्पर्श वाली, स्पर्श गुण होता है, जिसको छू सकते हैं, वो एक दूसरे को बाधित करती हैं, जा नहीं सकते, और जहां वो नहीं होती तो एक दूसरे में। तो आत्मा में चूंकि स्पर्श गुण नहीं होता है, आत्मा चूंकि स्थान नहीं घेरता है, इसलिए एक ही स्थान पर आ सकते हैं, ये उनके पीछे तर्क और युक्ति रहती है। ये प्रथम दृष्टया तो वो तो अच्छा ही लगेगा, यहाँ ये बात तो ठीक है और स्वीकार भी कर लेते हैं सब, पूरी परंपरा में वही चल रहा है, स्वीकार्य है। लेकिन महर्षि के ये जो वचन मिल रहे हैं ये हमें कुछ उससे आगे की एक बात और कह रहे हैं। वो ठीक है, स्पर्श वाली बात और प्रवेश की बात अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन समान सूक्ष्मता वाली चीजों में प्रवेश एक दूसरे में नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे आत्मा स्पर्श वाली हो जाए ऐसा थोड़ा ना कहा जा रहा है, प्रवेश नहीं कर सकते, ये कोई नियम नहीं है कि उस जिस जो जो स्थान घेरता है उसमें स्पर्शी गुण माना ही जाए। यूं तो तन्मात्राओं से पहले की जो चीजें हैं, इंद्रियां आदि, उसमें स्पर्श गुण नहीं होता है,
स्पर्श गुण तो स्पर्श तन्मात्रा और उसके आगे की बनी हुई चीजों में होता है, उससे पीछे वालों में तो स्पर्श गुण होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उनसे पूछा जाए कि एक मन और दूसरा मन एक दूसरे में प्रवेश कर सकते हैं क्या, एक सूक्ष्म इंद्रिय चक्षु सूक्ष्म इंद्रिय दूसरी चक्षु इंद्रिय में प्रवेश कर सकती है क्या, एक अहंकार तत्व का कण उस दूसरे में प्रवेश कर सकता है क्या, सत्वरस्तम अत्यंत तीनों सूक्ष्म है सत्व में सत्व या एक दूसरे में सत्वरस्तम में एक दूसरा प्रवेश कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अपनी सूक्ष्मता समान होती है। लेकिन एक लोहे का गोला और यूं कहें कि इसमें सत्वगुण प्रवेश कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अग्नि ही कर जाती है, प्रकाश ही कर जाता है, ये कांच है ठोस है लेकिन इसमें से प्रवेश कर सकती है क्या, हाँ प्रकाश प्रवेश कर सकता है, आ जाता है वहां से प्रकाश निकल के ही तो आता है। तो जहां सूक्ष्मता कम होगी वहां तो आना जाना होगा, जहां सूक्ष्मता समान होगी वहां एक जगह पर दो आ ही नहीं सकते। और एक बात मुक्ति के विषय में, एक हमारा वो प्रसंग चल रहा था कि सब मुक्तात्माएं एक जैसी होती हैं या अलग अलग होती हैं, वो जो जिस प्रसंग में पहले भी मैंने आपके सामने ये रखा था, ज्ञान की जितना ज्ञान अधिक होता है उतना आनंद अधिक होता है, तो मुक्ति में ज्ञान बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, ये भी सत्यात् प्रकाश नवम समुल्लास में है। तो एक स्वामी जी का वचन मिलता है ग्यारहवें समुल्लास में, ये यहां भी वेदांत के ये सूत्र दिए गए हैं जो हम अभी पढ़ रहे थे, संपद्य आविर्भाव स्वेन शब्दात ब्राह्मेण जैमिनिर उपन्यासादिभ्य, ये जो वेदांत के सूत्र हैं वहां पर प्रसंग वही चल रहा है, मुक्ति से संबंधित ही विषय चल रहा है। तो उनका अर्थ करते हुए स्वामी जी अंत में क्या लिखते हैं, जब योगी का सत्य संकल्प होता है तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति सुख को पाता है, वहां स्वाधीन स्वतंत्र रहता है, मुक्ति में स्वाधीन स्वतंत्र रहता है, स्वाधीन अपने अधीन है और स्वतंत्र है उसका, परमात्मा का भी नहीं है परतंत्र नहीं है, ध्यान देने की बात है। नहीं तो हम स्वीकार करते रहते भाई परमात्मा की अधीनता तो सदा रहेगी मुक्ति में भी रहेगी, लेकिन स्वाधीन और स्वतंत्र रहता है। जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा मुक्ति में नहीं होता है। ये जो सूत्र है, अतः एवच अनन्याधिपति, जो आप प्रश्न पूछ रहे थे, यानी नवा सूत्र है, इसकी व्याख्या में लिख रहे हैं स्वामी जी, ये सारे के सारे सूत्र वहां दिए हुए हैं 5, 6, 7 और 9। तो जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा मुक्ति में नहीं, किंतु सब मुक्त जीव एक से रहते हैं, सब मुक्त जीव एक से रहते हैं, मुक्ति में जीवात्माओं में कोई न्यून अधिकता नहीं होती। कोई कह मैं पहले से आया हुआ हूं और मैं बाद में आया, वो कह ये आप तो बाद में आए हो, नहीं नहीं मैं तो वरिष्ठ हूं सीनियर हूं, मैं तो आप कनिष्ठ हो आप जूनियर हो, और वो रैंकिंग लेने लगे वहां उनकी जैसे कॉलेजों में होता है रैंकिंग लेने लग जाते हैं और अपने आप को बॉस कहलवाते हैं, वो बेचारे नए वाले आते हैं वो बॉस बॉस बोलते रहते हैं उनको और जो चाहे करवाते रहते हैं, बेचारे नए नए होते हैं घर छोड़ के बाहर निकले हुए होते हैं तो रैंकिंग होने लगती है उनकी। तो मुक्ति में सब जीव एक जैसे रहते हैं, इससे भी ये पुष्ट होता है कि वहां ज्ञान की भी कोई भिन्नता नहीं, जो गया जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है हो रहा है, बस उसी समय उसका हो जाता है। और एक प्रसंग है जो यहां इन्होंने वैसे ब्रह्म मुनि जी ने अलग ढंग से लिख दिया है, चलो उसको उस प्रसंग में मैं बताऊंगा आपको। तो अभी हमने 10 11 12 ये तीन सूत्र देखे, इसमें मुक्ति में सूक्ष्म शरीर रहता है नहीं रहता है ये अगर कोई पृष्ठभूमि बनाए तो पहले से ही संशोधन कर लेना, ये केवल सूक्ष्म शरीर की बात नहीं है, और सूक्ष्म शरीर है भी तो कौन सा है, सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर है, वो आत्मा का अपना स्वरूप है, उसकी बारे में बात चल रही है। तो अभाव है, स्थूल शरीर प्रकृति जन्य जितने शरीर हैं उन सबका अभाव है। जैमिनी कहते हैं कि नहीं इनका भाव है उन्हीं चीजों का, वो कैसे, आत्मा की जो अपनी सामर्थ्य है, मनन की सामर्थ्य है, इंद्रियों की सामर्थ्य है, प्राण की सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य के रूप में वहां पर भाव है, और इन साधन रूप में प्रकृति के जो साधन है उनका वहां पर अभाव है,
काम वो सारे कर लेगा वहां परमात्मा की सहायता से और अपनी सामर्थ्य से। जैसे बद्धावस्था में आत्मा की अपनी सामर्थ्य और साथ में साधनों की सामर्थ्य दोनों मिलती हैं तब वो कर सकता है। अब पत्थर से आप आंख जोड़ देंगे तो उसको थोड़ा बोध होगा, पत्थर से कान को जोड़ देंगे तो उसको थोड़ा शब्द सुनाई देगा। आत्मा की सामर्थ्य है वो भी आवश्यक है और साधन भी चाहिए। ऐसे ही मुक्ति में परमात्मा की सहायता भी आवश्यक है और जीवात्मा के की अपनी सामर्थ्य का भी होना आवश्यक है। जैसे यहां आवश्यक है वैसे वहां भी आवश्यक है। तो उसकी जो अपनी सामर्थ्य रूप में मन प्राण बुद्धि आदि हैं, जब जब ये शब्द आएंगे यहां मुक्ति में तो वो उसकी आत्मा की सामर्थ्य को लेंगे। आप कोई मतभेद नहीं है, अनुकूलता से हो जाएगा। कुछ आचार्य जी, अभी आपने सत्यार्थ प्रकाश का जो एक वाक्य बताया था, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे आनंद भी बढ़ता जाता है, तो ये बात समझ नहीं आ रही। ये बात समझ नहीं आई कि बढ़ने का कैसे हुआ, क्योंकि समान रहना चाहिए और समान। जैसे यहाँ बद्धावस्था में जितना जितना जिसका ज्ञान बढ़ता जाता है उतना उतना उसको आनंद मिलने लगता है। किसी वस्तु का हमें ज्ञान नहीं है, हम परेशान हैं, टेलीविजन लगा हुआ है परेशान है, चल ही नहीं रहा है, मोबाइल है, ज्ञान हो गया चलने लगे, सुविधा हो गई, सुख हो गया, अनुकूलता हो गई, आनंद बढ़ गया। इसी तरह से ज्ञान का, तो जितना ज्ञान बढ़ता जाता है, अब वो एक अलग बात है कि जो जितने जाना ज़्यादा ज्ञानी होते हैं वो उतने ज़्यादा झगड़ने लगते हैं तो बोले कि दुख आ जाता है, इसे तो मूर्ख रहना ज़्यादा अच्छा है। विद्या किसके लिए होती है? विद्या विवाद आय, विद्या तो विवाद के लिए ही होती है, संस्कृत की सूक्ति है, विद्या तो विवाद के लिए होती है। तो बोले इससे तो मूर्ख रहना अच्छा, उनको छोड़ दो, लेकिन जो ठीक ज्ञान आया है तो ज्ञान से हमें सुख होता है। और ज्ञान का सुख सांसारिक सुखों की अपेक्षा महर्षि ने लिखा 1000 गुना अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। वो अंदर का अंदर ही सुख मिलता रहता है, इंद्रियों का सुख तो थोड़ी देर के लिए होता है। तो यहां तो ये पूरी तरह से लागू हो रहा है, उसके बाद में यहां की अपेक्षा मुक्ति को देखेंगे तो मुक्ति में ज्ञान अधिक होता है, क्योंकि परमात्मा की सहायता से सन्निहित साधनों को वो जैसा चाहे वैसा देखता रहता है। यहां तो हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, कुछ स्मृति का प्रयोग करते हैं, वहां वो सारे चीजें प्रत्यक्षवत देखता रहता है, तो ज्ञान अधिक होता है। इसलिए बद्धावस्था की अपेक्षा मुक्तावस्था में ज्ञान अधिक होता है, इसलिए वहां आनंद भी अधिक होता है, इतना कहना चाहते हैं। पर इसके साथ साथ जो दूसरी चीज जोड़ लेते हैं बहुत से लोग इन्हीं वचनों से कि मुक्ति में जो आत्मा अभी अभी गई है उसका ज्ञान कम है, और जो जितनी अधिक देर वहां हो गई उसको उसका ज्ञान अधिक बढ़ता जा रहा है, इसके आधार पर वो कहने लगते हैं कि मुक्ति में भी आनंद की भिन्नता होती है। वो गलत अर्थ निकल जाता है, क्योंकि ये जो वचन है सारा, ये वे सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास का बोल रहा हूं, जैसे सांसारिक सुख, प्रश्न पहले पढ़ता हूं, जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता वैसे मुक्ति में बिना शरीर आनंद कैसे भोग सकेगा। तो उत्तर देने इसका समाधान पूर्व कहे आए हैं, इतना अधिक सुनो। पूर्व जो कहे आए वो ये था कि परमात्मा की सहायता से ये करता है भोगता है, उसके अतिरिक्त ये कह रहे हैं जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है। आगे, वह मुक्त जीव अनंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता है। अब वो स्वाधीन और स्वच्छंद वहां भी आया था पीछे, जो मैंने उद्धृत किया था सब समान है, वही भी स्वच्छंद घूमता है। ये स्वच्छंद निंदित अर्थ में नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार, स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा अनुसार करता है, स्वच्छंद घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता है, अविद्या कुछ नहीं है वहां पर, परमात्मा का शुद्ध ज्ञान उसको प्राप्त है। अन्य मुक्तों के साथ मिलता, सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोक लोकांतरों में, अर्थात जितने ये लोग दिखते हैं और नहीं दिखते उन सब में घूमता है। अब यहां से हमें जो लोग दिखाई देते हैं वो तो कुछ तारे दिखाई देते हैं, बहुत हैं वैसे तो, अनंत हम गिन नहीं सकते। वैज्ञानिक भी दूरबीन लगा करके देखते हैं तो अब वो पता लगता है, पहले जिसको तारा समझते थे वो पूरी की पूरी गैलेक्सी है। पहले दूर से देखते थे तो छोटा सा दिखता था तो लगता था कि एक ही तारा है, जब दूरबीनें विकसित हो गई देखने लगे ये तो बहुत बड़ी चीज है, पूरी की पूरी गैलेक्सी है, इसमें तो तारों का झुंड है, दूर से हमको एक दिख रहा है। तो जो लोग हमको दिखते हैं
और नहीं दिखते उन सबको, बहुत सारे हैं जो हमारे को पता भी नहीं है, उन सब में घूमता है वह सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं सबको देखता है, उसके ज्ञान के आगे होते हैं। जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद अधिक होता है, यहां ये वचन है। ये बद्धावस्था की अपेक्षा मुक्तावस्था में ज्ञान अधिक होता है उसमें लगेगा, मुक्तावस्था में अलग अलग ज्ञान होता है उसमें नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि आगे देखो क्या लिखते हैं, मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत होता है। अब ये जो पंक्ति है किस मुक्तात्मा पे लगेगी? मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत होता है, ये पंक्ति किस मुक्तात्मा पे लगेगी? सब मुक्तात्माओं पे लगेगी। अब जब पीछे इससे पिछली पंक्ति है, जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद अधिक होता है, अब अगली पंक्ति पे तो ध्यान नहीं जा रहा है, इसी पे कह लिया कि हाँ मुक्ति में भी ज्ञान की भिन्नता होती है तो आनंद की भी भिन्नता होती है, एक नया सिद्धांत शुरू कर दिया। जबकि अगली पंक्ति से ही ये विरोध को आ रहा है, और जो मैंने आगे बताया था कि सब मुक्तात्माएं मुक्ति में एक जैसी होती हैं, कोई अधिपति नहीं, कोई स्वामी नहीं, कुछ नहीं, सब मुक्तात्मा एक जैसी रहती हैं, ज्ञान भी एक जैसा, आनंद भी एक जैसा, सब एक जैसा होता है, तो उसी तरह से यहां पर लेना चाहिए। एक एक अंश में जब जब हम लेते हैं और पूरी बात को समझते नहीं है क्या वाक्य रचना है तो ऐसे में गड़बड़ होती है। अब वो कई बार बातें देखो कितनी छोटी छोटी सी हैं, लेकिन गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि वाक्यों पे उतना ध्यान देना नहीं आता है, क्योंकि मान लो मीमांसा नहीं पढ़ा है, इतना गौर ही नहीं करते हैं वो वाक्यों के ऊपर। गलती तो मीमांसा वाला भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई जागरूक नहीं है, उसको आदत नहीं है कि मैं वाक्यों को ध्यान से देखूं, तो एक मोटा मोटा अर्थ हम लेते हैं, पढ़ते हैं सारा, बताते भी हैं, लेकिन मोटा मोटा अर्थ लेते हैं। आप ये अंतर देख लेना पढ़ाने वालों में भी और विचार करने वालों में भी, उन्हीं पंक्तियों को वाक्यों को पढ़ते हुए एक सूक्ष्मता से स्पष्टता से अर्थ ले रहा होता है, और एक स्थूल स्थूल बस मोटा मोटा ले रहा होता है, उसमें भिन्नता स्पष्टता भेद नहीं होता, और वहां गड़बड़ मिल जाती है कुछ ना कुछ। और कई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे आपको, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनका कोई भी प्रवचन सुन लो, दो तीन चीजें अवश्य ऐसी मिलेंगी जहां पर टोकने को होगा कि नहीं ये क्या बोल गए, ये क्या बोल गए, ध्यान नहीं देते हैं तो। जबकि दर्शन पढ़े हुए हैं, पढ़ाते हैं, प्रचार भी होता है, सब कुछ होता है, इसके बावजूद भी ऐसा देखने में आ जाता है ये क्या बोल गए, ये क्या बोल गए, कुछ ना कुछ बीच बीच में गड़बड़ होती रहती है, क्योंकि वाक्यों पर शब्दों पर पूरा ध्यान नहीं देते। ये वाक्य रचना यूं ही नहीं लिखी गई है, ये किसी सामान्य व्यक्तियों के द्वारा यूं लिखी नहीं है, ये बहुत ध्यान से, जागरूकता से, एकाग्रता से, समाधिस्थ लोगों के द्वारा सोच विचार करके ये रचनाएं की गई हैं। सूत्रों में भी ऐसा है, हमारे को उसी तरह आदर भाव से देखना होता है तो हम कुछ नई चीज निकाल सकते हैं वहां पर, नहीं लिखा है तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो हम मोटा मोटा अर्थ जैसा हमारे को समझ में आ रहा है हम लेते रहते हैं। तो 12वें सूत्र में बादरायण जी ने दोनों की संगति बताई कि मुक्ति में भाव और अभाव दोनों होते हैं। आगे 13वां सूत्र, शरीर से उभयविध भावे सूत्रद्वयेन अनुभवोपपत्ति प्रदर्शते। शरीर के उभयविध भाव में, यानी वो होता भी है और नहीं भी होता है, इसको सूत्र, दो सूत्रों के द्वारा इसमें अनुभव की उपपत्ति या कथन किया जा रहा है। 13वां सूत्र, तन्व भावे संध्यवत उपपत्ते है, तनु का अभाव होने पर वहां पर संध्या के समान उपपत्ति होती है। संध्या मतलब बीच की स्थिति, संध्या जैसे होती है दिन और रात के बीच में, तो जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था के बीच की जो अवस्था होती है उसको संध्या अवस्था कहते हैं, यानी स्वप्नावस्था, उपनिषद में भी आया था। तो मुक्तो स्थूल शरीर से अभाव, मुक्ति में स्थूल शरीर का अभाव होता है, इसलिए वह होने पर संध्यम स्वप्नम, संध्या को कोरा स्वप्नम, संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम स्वप्नवत कामाचार से सिद्धिर भवती। समझाया जा रहा है कि जैसे स्वप्नावस्था में हमारा कामाचार रहता है, तो कोई उदाहरण तो देंगे ना, किस तरह से कामाचार, दिन में जागते समय देखेंगे वो कितनी भी इच्छा से करे लेकिन वहां कुछ ना कुछ बंधन लगता है, लेकिन स्वप्नावस्था में कोई कामाचार नहीं होता है, वो कोई बंधन नहीं होता है, जो कल्पनाएं करनी हो वो सारी स्वप्नों में देखते रहो, करते रहो जो भी है। तो जैसे स्वप्न में, एक समझाने के लिए है, अब थोड़ा बंधन तो स्वप्न में भी लग जाता है हमारे को, विपरीत अगर सपना हो तो, डरावना, तो
लेकिन वैसे अगर सुखपूर्वक है तो सब इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अथच और भावे जागृतवत्, और वहां जो जागृत अवस्था में जैसे होता है, जागृत अवस्था के समान वहां भाव माना जाता है। मुक्तो सांकल्पिकस्य सूक्ष्मस्य शरीरस्य भावे वर्तमानत्वे जागृतवत् कामचारो विज्ञेयः। दो तरह से कामचार, एक स्वप्न में कामचार और एक जागृत अवस्था में कामचार, कि जगते हुए हम जो इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, ऐसे ही मुक्ति में अपने सांकल्पिक शरीर से, क्योंकि जिस समय वो संकल्प करता है उस समय वो जगा हुआ होता है, जागरूक होता है, तो मुक्ति में सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर के भाव के वर्तमान होने से जागते हुए के समान कामाचार होता है, ये समझना चाहिए। ठीक है, ज्ञान होने के बाद मुक्ति होती है या मुक्ति के बाद ज्ञान प्राप्त करती है? दोनों बातें ठीक हैं। ज्ञान होने के बाद में जो मुक्ति के लिए आवश्यक जितना ज्ञान है, अविद्या का नाश होना, वो ज्ञान होना चाहिए, तब मुक्ति होती है। और मुक्ति के बाद में भी ज्ञान होता है, जब मुक्तावस्था में पहुंच जाता है तो वहां पर जो ज्ञान होता है वो बद्धावस्था से अतिरिक्त होता है, वो सारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसका। इसकी कोई सीमा? उसकी कोई सीमा नहीं है। उसकी सीमा कहना चाहें तो इतना कह सकते हैं कि वहां जो चाहते हैं उतना ज्ञान हो जाता है, सन्निहित साधनों का ज्ञान उसको होता रहता है, बस इतना वहां होता है। लेकिन परमात्मा जैसा नहीं होता, ये सीमा है वहां पर। परमात्मा में जैसे अनंत ज्ञान सदा उपस्थित रहता है, ऐसा जीवात्मा को नहीं रहेगा। जब जब वो जानना चाहेगा वो होता रहेगा उसको, लेकिन सब चीज परमात्मा जैसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आज का पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।